नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। कैंची धाम नीम करौली बाबा के तपोस्थली पर श्रद्धा भाव से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां पर मांगी गई सभी मन्नतें पूरी होती हैं। बाबा नीम किरौली महाराज महान योगीराज थे, जो भगवान हनुमान के परम भक्त थे। बाबा नीम करौली महाराज पर लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशों से भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। नीम करौली बाबा की कैंची धाम आश्रम नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। वहीं इस बार 15 जून को हर साल होने वाला विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम कैंची धाम में उनके दर्शन और विशाल भंडारे को लेकर लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला, जहां देश विदेश से लाखों बाबा के श्रद्धालु बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते ये विश्वव्यापी मेला नहीं लग पाने के कारण फिर भी जो श्रद्धालु यहां पहुंचे भी तो मंदिर बंद होने के कारण निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। हल्द्वानी नैनीताल से दीपक अधिकारी की एक रिपोर्ट। हम पिछले 8-9 वर्ष से लगातार आ रहे हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हर साल दिल्ली से ही आते हैं और बाबा की इतनी मान्यता है, करीब करीब 120 कंट्री से यहाँ लोग 15 तारीख को आते हैं और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। आज ये इस बीमारी के कारण जो सुनसान पड़ा है यहाँ पर, और जितने भी ये बाबा के उपासक हैं वो निराश होकर के लौट रहे हैं जी। जबकि अभी भारत के अंदर जो मंदिर हैं, पीठ हैं, उनमें सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए इजाज़त दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है। इससे हमें निराशा लगी। हम यही सोच करके आए थे कि अभी सभी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ करके पता चला कि यहाँ पर प्रशासन ने कोई इजाज़त नहीं दी है। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। देश से तो नहीं आ रहे हैं, लोकल के लोग आ रहे हैं, क्योंकि देश प्रवेश से आते तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग होते जी। और यहाँ पे हमने पहले ही अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, सब माध्यम से हमने सूचना दे रखी थी कि इस बार कोरोना की वजह से हम लोग यहाँ पे मेला नहीं कर सकते हैं जी। और जो नियमित रूप से जो पूजा होती थी वो पूजा पाठ यहाँ पर हुआ है जी। और हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन रहे और भीड़ यहाँ पर ना लगे, इसमें पूरी मदद कर रही है जी। कब तक है ये निर्णय, कब तक, कितने दिन का? जो जनता मंदिर कमेटी और यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर हम लोगों ने सोचा कि 30 तारीख तक हम फिलहाल मंदिर को बंद रखेंगे, क्योंकि ये कोरोना काल है तो सभी के हित में है, तो इसलिए 30 के बाद फिर एक मीटिंग करके फिर देखेंगे कि एक से हम खोलते हैं क्या करना है। ठीक हो गया सर। मैं 8-7 साल से यहाँ पर आता हूँ, बाबा की बहुत बड़ी मान्यता है। आज के दिन भंडारा होता है, बड़ी भीड़ होती है, कोरोना बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और दर्शन नहीं हो पाए, भीड़ भी नहीं, भंडारा भी नहीं हुआ जी। बाबा जो है देश विदेशों में भी विख्यात है। बाबा हर कामना पूरी करते हैं। अब से पहले हमारे बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री यहाँ पर माथा टेक करके गए हैं और बाबा ने सबका भला किया है जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम कृष्ण पाल है, दिल्ली से आया हूँ जी। और बाबा के भंडारा कृष्ण करके आया था, पिछली बार भी आया था, आज भंडारा नहीं मिला, दर्शन नहीं हुए। ये बाबा की कृपा है, कृपा हो जाएगी, दर्शन हो जाएंगे। ठीक, महत्ता है, यही महानता है इस विशेष उत्सव का। कभी पत्राचार भी किया जाता, यानी कि इन्विटेशन नहीं दिया जाता, लेकिन लोग अपने अपनी स्वतः प्रेरणा से बाबा महाराज की प्रेरणा करते हैं, उनको वो अपना चले आते। अब देखिए भाई साहब आए, लखीमपुर खीरी से आए हैं, पहली बार आए हैं। इनके साथ एक और इनके कहिए कोई रिलेशन में होंगे या कोई चाचा लगते वो आए थे करीब कुछ साल पहले, 8-9 साल, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। तो वो उन्होंने ही पूरा लखीमपुर गिरी जगा दिया है। अब ये प्रेरणा कौन करता है अपने साथ जी? कोई हम तो कभी नहीं करते। मेरा नाम रामजी गुप्ता। इस फंक्शन का जो हम कभी वो भी नहीं करते, मतलब कोई पत्र वगैरह डालकर बुलाने का कोई आभास नहीं करते, लेकिन इस बार मना जरूर करना पड़ा, मत आइएगा, क्योंकि इसमें बीमारी के कारण ही सोचना पड़ा कि खाली परेशान होंगे बालक बुजुर्ग लोग परेशान होंगे, कोशिश ये करें कि कम लोग आए, भले वो कहीं से भी स्मरण करें अपना और बाबा जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि भेंट कर सकते। गुरु जी, कोरोना काल के इस समय में क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से, देश की जनता से, लोगों से, प्रदेश की जनता से? भाई संयम बात पे हमेशा एक सा दिन तो रहते नहीं है,
नहीं नहीं कभी जैसा भी हो रहा है अगर संयम बढ़ते रहेंगे तो उनका मानसिक स्तर प्रबल रहेगा, अगर संयम खो देंगे तो एक किस्म से डिप्रेशन यानी कि मुश्किल चले जाएगा, क्या होगा कैसा, अरे जो हो रहा सी द प्रेजेंट नॉट द फ्यूचर नॉट द पास्ट पास्ट तो देखो वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, उसको उसको फेस करो, उसको रोकने की कोशिश करो, उसके प्रति जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करो, यही सुरक्षा का उपाय है।